रियल वाइफ संग फिल्म में नजर आए थे सनी देओल। ब्रिटिश शाही परिवार से हैं तारा सिंह की पत्नी। सनी देओल बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर हैं। 19 अक्टूबर 1957 को धर्मेंद्र प्रकाश कौर के घर जन्मे सनी देओल। खुद को दो बच्चों के पिता हैं। सनी के दोनों बच्चे करण और राजवीर भी एक्टर बन चुके हैं। हालांकि दोनों का ही डेब्यू फिल्म फ्लॉप रही थी। इसके उलट सनी देओल और बॉबी देओल इन दोनों भाइयों ने बेताब और बरसात नाम की सुपरहिट फिल्मों से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया। सनी देओल ने हाल ही में गदर 2 से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया। उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में सनी देओल तारा सिंह के किरदार में नजर आए थे। वही फिल्म का सक्सेस पार्टी में पूरा देओल परिवार साथ दिखा था। हेमा मालिनी, ईशा देओल और रहाना देओल, हर किसी ने सनी की सफलता पर प्यार लुटाया था। दूसरी ओर बात सनी के लव लाइफ की करें तो उनका नाम यू तो कि कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा है, लेकिन उन्होंने शादी रचाई फिल्मों से दूर ब्रिटिश राज परिवार की लड़की लिंडा से। सनी से शादी के बाद लिंडा ने अपना नाम पूजा कर लिया और दुनिया आज उन्हें पूजा देओल के नाम से जानती है। पूजा देओल हाफ ब्रिटिश और हाफ इंडियन है। पूजा के पिता का नाम कृष्णदेव महल, माँ का जून सारा महल है और जून ब्रिटिश के शाही परिवार के संबंध रखती है। बात पूजा की करें तो वह भी अपनी सास प्रकाश कौर की ही तरह फिल्मी चौकचंद से दूर रहकर घर परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं, वरना के बराबर किसी फिल्मी पार्टी या अवार्ड फंक्शंस में नजर आती हैं। हालांकि ये बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि पूजा देओल का फिल्मों से प्रोफेशनल रिश्ता भी है। पूजा देओल ने फिल्म यमला पलकर दीवाना 2 की कहानी लिखने में अपना योगदान दिया। फिल्म में उनके पति सनी, ससुर धर्मेंद्र और देवर बॉबी एक साथ नजर आए थे। फिल्म हिट साबित हुई। इसके अलावा पूजा सनी देओल के साथ एक फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं। फिल्म का नाम था हिम्मत। हिम्मत में पूजा देओल ने गेस्ट अपियरेंस दिया था। तो इस तरह से वो इंडस्ट्री से ताल्लुक जरूर रखती हैं, पर लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती। पर दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी के लिए फिल्में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो भी आती हैं, और सनी देओल की हम सभी को बहुत ज्यादा एंटरटेन करती हैं। अब दोस्तों, खैर, आप क्या कहना चाहते हैं सनी देओल को लेकर, उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर? आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।